चिराग पासवान आपकी अदालत में रजत शर्मा के सामने कई सवालों का जवाब दिए, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी परिवार कैसे टूट गया? चिराग पासवान ने रजत शर्मा के एपिसोड में पूरी तरीके से जनता के सामने रख दिया था, क्योंकि जब परिवार उठा, चिराग पासवान का पार्टी टूटी, तब चिराग पासवान अपने चाचा के घर पे जाते हैं और उनके चाची रहती हैं उनके चिराग पासवान के, चिराग पासवान उनके पैर छूने जाते हैं तो उनकी चाची दो कदम पीछे हट जाती है और कहती है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान उसे पूरी तरीके से दुख हो जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान की जब यात्रा बिहार में चलती है आशीर्वाद यात्रा, कहीं ना कहीं उस आशीर्वाद यात्रा ने चिराग पासवान को सराखों पर बैठा दिया साथियों। चिराग पासवान की राय पूरी तरीके से धूमिल हो गई थी, चिराग पासवान पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए थे, लेकिन चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा निकाली। आशीर्वाद यात्रा के साथ ही चिराग पासवान को बिहार से एक अपार जन सैलाब मिला, अपार समर्थन मिला साथियों। चिराग पासवान आज बिहार में भाजपा जैसी पार्टियों से 5 लोकसभा सीट पर अलायंस करने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन चिराग पासवान की 6 लोकसभा सीटिंग सीट थी, उसमें से एक सीट पार्टी टूटने के बाद चिराग पासवान को एक सीट का कहीं ना कहीं खड़ा हुआ साथियों। लेकिन चिराग पासवान 2020 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के बाद उनकी पार्टी टूटी, परिवार टूटा, लेकिन चिराग पासवान बिहार में डट कर मुकाबला करते रहे, अपने आप को स्थापित कर दिए। ये चिराग पासवान की सबसे बड़ी काबिलियत है साथियों। लेकिन चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं पासवान, जो भी इस बार अपडेट खबर आएगी मैं आप सबको दूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।